हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी नोट्स। मैं हूं मीरा और इस वीडियो में हम देखेंगे ह्यूमन हार्ट का फंक्शन। तो यहां पे मैंने ह्यूमन हार्ट जो है आपके सामने रखा है। ह्यूमन हार्ट को पहले समझने के लिए हम इसके पार्ट्स देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है इसका राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये है राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑरिकल वो पार्ट है जहां से ब्लड हार्ट के अंदर एंटर होता है, और वेंट्रिकल्स यानी कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल वो पार्ट है जहां से कि ब्लड हार्ट से बाहर निकलता है। तो ऑरिकल्स के अंदर हार्ट, ऑरिकल्स में ब्लड एंटर होता है, वेंट्रिकल्स में ब्लड हार्ट से बाहर जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन, राइट साइड में, हार्ट के राइट साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो बॉडी में से जो ब्लड हार्ट के राइट ऑरिकल में आता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लू कलर में शो किया जाता है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कम है उसको बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर बिल्कुल भी नहीं है उसको बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट ऑरिकल में, और ये कौन लेके आएगा? सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। वेन्स जो है वो बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके राइट ऑरिकल में लेके आएंगे। राइट ऑरिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में जाएगा। आर्टरी वो ब्लड वेसल है जो ब्लड को हार्ट से ऑर्गन की तरफ लेके जाती है। तो पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। लंग्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, लंग्स में जो फ्रेश ऑक्सीजन है वो ब्लड में एड इन हो जाएगा, एड हो जाएगा। लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए एओर्टा से कंप्लीट बॉडी में ब्लड जो है वो रोटेट होगा। इस तरीके से ह्यूमन हार्ट में 4 चेंबर्स है जो कि ब्लड को रोटेट करते हैं।